हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र अध्ययन के उपागम के बारे में चर्चा करेंगे, अप्रोचेज ऑफ सोशियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। उपागम से तात्पर्य किसी भी घटना को देखने का दृष्टिकोण है। क्या है दृष्टिकोण? कोई भी घटना हो तो उसको किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, उसी को हम उपागम कहते हैं। तो दो उपागम होते हैं, एक बृहद दृष्टिकोण होता है, एक सूक्ष्म दृष्टिकोण। जो बृहद दृष्टिकोण है, इसमें समाज को या समूह को इकाई मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। समाज को या समूह को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है। और जो सूक्ष्म दृष्टिकोण है, इसमें व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की दो पद्धतियाँ, आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। इंडक्टिव मेथड और डिटेक्टिव मेथड। आगमनात्मक पद्धति, इसमें सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन पर बल दिया जाता है। क्या? सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? तो इसके अंतर्गत, आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत, जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान, प्रघटना शास्त्र, अभिनय शास्त्रीय उपागम। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो हर्बर्ट ब्लूमर जी। लोक विधि विज्ञान का कॉन्सेप्ट हैरोल्ड गोल्फिंगर। लोक विधि मतलब एथनोमेथडोलॉजी। प्रघटना शास्त्र यानी कि फेनोमेनोलॉजी, इसका कॉन्सेप्ट एडमंड हर्सल और अल्फ्रेड सूज जी ने दिया है। अभिनय शास्त्रीय उपागम, ड्रामेटिकल अप्रोच, ये इरविन गॉफमैन जी का कॉन्सेप्ट है। तो ये जितना भी है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान, प्रघटना शास्त्र, अभिनय शास्त्र, ये सब सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन पर बल देते हैं, यानी कि आगमनात्मक पद्धति का उपयोग ये लोग करते हैं। आगमनात्मक पद्धति से एक क्वेश्चन बना था कि जो ये हर्बर्ट ब्लूमर जी हैं, जिन्होंने ये अंतःक्रियावाद का कॉन्सेप्ट दिया है, ब्लूमर, इनसे एक क्वेश्चन बना था कि ब्लूमर ने मानव व्यवहार को समझने के लिए किस उपागम को सर्वाधिक उपयोगी माना। तो उसमें आंसर था आगमनात्मक पद्धति। क्या था? आगमनात्मक पद्धति। तो जैसे ब्लूमर से बना था, वैसे हो सकता है कि हैरोल्ड गॉल्फिंकल का पूछ ले, या अल्फ्रेड सूज जी का पूछ ले, या अभिनय शास्त्री इरविन गॉफमैन का पूछ ले कि ये लोग कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आगमनात्मक पद्धति। इन्हें मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। ये लोग वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? ये लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं मानते हैं, उसके विपरीत ये लोग अध्ययन करते हैं। इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत अध्ययन से एक ब्लूमर ने कहा था, हर्बर्ट ब्लूमर जी ने कहा था कि इन्होंने मस्तिष्क विहीन विज्ञानवाद की प्रकृति की आलोचना की थी। और ब्लूमर जी ने संख्यात्मक पद्धति की भी आलोचना की थी, क्योंकि ये लोग विज्ञानवाद को, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को नहीं मानते हैं। इसलिए इन्होंने, ब्लूमर जी ने मस्तिष्क विहीन विज्ञानवाद की प्रकृति की आलोचना की थी। निगमनात्मक पद्धति, डिटेक्टिव मेथड, यह उपागम बृहद से सूक्ष्म का अध्ययन करने पर बल देता है। इससे संबंधित उपागम है उद्विकास, प्रकारवाद, संघर्षवाद। तो ये लोग जो है अपनी अध्ययन पद्धति में निगमनात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं। इन्हें वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। जैसे उद्विकास हुआ, प्रकारवाद हुआ, संघर्षवाद हुआ, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं, ये लोग वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करते हैं। ऐतिहासिक या उद्विकासीय उपागम, अब हम देखेंगे ऐतिहासिक या उद्विकासीय उपागम। इसके अंतर्गत सामाजिक परिघटना में काल के विभिन्न आयामों पर होने वाले परिवर्तन व विकास की विवेचना होती है। क्या होती है?
काल के मतलब समय के विभिन्न आयामों पर होने वाले, मतलब किस समय में कौन सा परिवर्तन हुआ, कौन सा विकास हुआ, विकास के कौन कौन से स्तर हुए, उसका ये लोग विवेचना करते हैं। इस उपागम के विद्वान हैं, कौन से उपागम के, ऐतिहासिक या उद्विकासी उपागम के विद्वान हैं, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, मॉर्गन और सोरोकिन। इन लोगों ने ऐतिहासिक या उद्विकासी उपागम का अनुसरण किया है। अगस्त कॉम्ट जी को अब हम लोग देखेंगे। अगस्त कॉम्ट जी को, कॉम्ट जी बौद्धिक विकास की बात करते हैं जिसमें उन्होंने तीन स्तर बताए हैं। जो कॉम्ट जी हैं, इन्होंने उद्विकास का जो वो दिया था अपना कॉन्सेप्ट, तो उसके अंतर्गत बौद्धिक विकास की बात करते हैं। उसमें तीन स्तर बताते हैं। कितने स्तर? तीन स्तर, कि धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर, ये तीन स्तर बताते हैं। अच्छा, हर्बर्ट स्पेंसर जी, इन्होंने समाज के उद्विकास की चार अवस्था बताई है। कितने? समाज के उद्विकास की चार अवस्था। पहला शिकारी अवस्था, दूसरा पशुचारण अवस्था, तीसरा कृषक अवस्था, चौथा औद्योगिक अवस्था। इन्होंने चार अवस्था बताई है, ये चारों हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जी समाज के चार भाग भी बताते हैं। क्या बताते हैं? समाज के चार भाग बताते हैं। कौन कौन से समाज? सरल समाज, सम्मिश्र समाज, सरल समाज, सम्मिश्र समाज, दोहरे सम्मिश्र समाज, तिहरे सम्मिश्र समाज। तो ये जो है समाज के चार भाग बताते हैं। अच्छा, इन्हीं से मिलता जुलता दुर्खिम जी ने भी दिया है, समाज का वर्गीकरण किया है। तो यहीं देख लेते हैं साथ साथ में कि दुर्खिम जी ने सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, इसका कॉन्सेप्ट इमाइल दुर्खिम जी ने दिया है। तो इसको अलग अलग आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों लोग का मिलता जुलता है। अब कार्ल मार्क्स जी का हम देखते हैं कि इन्होंने उद्विकास का कैसे अध्ययन किया है। तो कार्ल मार्क्स जी ने समाज के उद्विकास की पांच अवस्था बताए हैं। कितनी अवस्था? पांच अवस्था। समाज के उद्विकास के पांच अवस्था बताते हैं। पहला आदिम साम्यवादी समाज, दूसरा दासत्व समाज, तीसरा सामंतवादी समाज, चौथा पूंजीवादी समाज और पांचवा साम्यवादी समाज। ये पांच अवस्था कार्ल मार्क्स जी समाज के उद्विकास की बताते हैं। तो इसका क्वेश्चन बनता है, क्रम भी पूछ लेता है और हर बार एग्जाम में इसका क्रम आता है। तो इसको आप लोग क्रम याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आदिम साम्यवादी समाज और ये साम्यवादी समाज, ये दोनों कन्फ्यूजन करते हैं कि कौन पहले रहेगा और कौन लास्ट में रहेगा। तो जब आदिम साम्यवादी समाज रहेगा तो वो पहले रहेगा और साम्यवादी समाज ये लास्ट में आएगा। अब एक हैं सर एडवर्ड वार्नेट टाइलर महोदय जी। सर एडवर्ड वार्नेट टाइलर महोदय जी, इन्हें इंग्लैंड में मानव शास्त्र का पिता माना जाता है। क्या माना जाता है? इंग्लैंड में मानव शास्त्र का पिता माना जाता है। 1871 में प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक में धर्म के उद्विकास की बात की। कौन से? धर्म के उद्विकास की। इन्होंने धर्म के उद्विकास की दो अवस्था बताई। धर्म के उद्विकास की दो अवस्था बताई, बहुदेववाद और एक देववाद। बहुदेववाद और एक देववाद। लेविस हेनरी मॉर्गन को अब हम लोग देखेंगे। इन्हें अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्र के जनक माना जाता है। इन्हें अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ कॉन्सिनिटी ऑफ एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली में परिवार के उद्विकास के पांच स्तर बताते हैं। ये किसके उद्विकास की बात करते हैं? परिवार के उद्विकास की बात करते हैं। टाइलर ने धर्म के उद्विकास की बात की, कार्ल मार्क्स ने समाज के उद्विकास की बात की, कॉम्ट जी ने बौद्धिक स्तर के उद्विकास की बात की। अब हम इनको देखते हैं, लेविस हेनरी मॉर्गन जी ने परिवार के उद्विकास की बात की है। इन्होंने उद्विकास के पांच स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? पांच स्तर। समरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेशियन परिवार और एक विवाही परिवार। समरक्त परिवार, इसका क्रम भी पूछ लेता है, क्वेश्चन कई बार बना है तो इसका क्रम पूछ लेता है, तो ये क्रम आप लोग याद कर लीजिए।
इनकी एक बुक है एनिशियंट सोसाइटी, एनिशियंट सोसाइटी। इस बुक में इन्होंने सभ्यता व संस्कृति के उद्विकास के 3 स्तर बताए हैं। यहाँ पर इन्होंने परिवार के उद्विकास के 5 स्तर बताए हैं हेनरी मॉर्गन ने, और यहाँ पर इन्होंने सभ्यता व संस्कृति के उद्विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहला जंगली स्तर, बर्बर या सभ्य स्तर। तो इसका भी क्रम पूछा है कई बार क्वेश्चन में, जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर। तो ये हेनरी मॉर्गन जी ने बताए हैं। यह मानव समाज और संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा में मानते हैं। ये जो है संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा, समाज और संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा में मानते हैं। ये हेनरी मॉर्गन, इन्होंने नातेदारी व्यवस्था की सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया था। इन्होंने नातेदारी, हम आगे पढ़ेंगे हम लोग किनशिप सिस्टम, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन अपना प्रस्तुत किया था। वैसे तो भारत में नातेदारी का गहन अध्ययन इरावती कर्वे जी ने किया है, लेकिन सबसे पहले नातेदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन लुइस हेनरी मॉर्गन जी ने किया है। इमाइल दुर्खीम, अब हम लोग इमाइल दुर्खीम के उद्विकास को देखेंगे। इन्होंने अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत में उद्विकासीय परंपरा को स्पष्ट किया है। किसमें? श्रम विभाजन के सिद्धांत में उद्विकासीय परंपरा को स्पष्ट किया है। इन्होंने सामाजिक एकता के आधार पर 2 प्रकार के समाज की बात की है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के समाज की बात की है। पूर्व औद्योगिक समाज यानी कि यांत्रिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज जिसे हम यांत्रिक समाज कहते हैं। यांत्रिक समाज ज़्यादातर आदिम समाज में पाया जाता है, जनजातीय समाजों में यांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, तो उसी को इन्होंने यांत्रिक समाज कहा है और उसको पूर्व औद्योगिक समाज भी कहा है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा है इन्होंने। इसमें दमनात्मक कानून पाया जाता है। किसमें? यांत्रिक समाज में दमनात्मक कानून पाया जाता है। और इसमें जो है इस प्रकार के समाज में सामूहिक चेतना की प्रबलता होती है। क्या होती है? सामूहिक चेतना की प्रबलता होती है यांत्रिक समाज में, क्योंकि ये लोग धर्म, प्रथा, रीति रिवाज आदि से जुड़े रहते हैं, तो जो समूह मानता है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। इसमें समरूप मतलब एक समान सबकी संवेदना होती है, मूल्यों की प्रधानता होती है, समानता होती है लोगों में, सामान्य एकीकृत होता है, समाज के जो विचार होते हैं वो सामान्य होते हैं, सामान्य विचार होते हैं, सामान्य अवधारणाएँ होती हैं। इसमें एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें पूरे समाज के विचारों को महत्व दिया जाता है और इसमें मजबूत सामूहिक चेतना पाई जाती है। किसमें? यांत्रिक एकता में। यांत्रिक एकता कहाँ पाई जाती है? तो जनजातीय समाज या आदिम समाज में पाई जाती है। औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसे सावी समाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सावी समाज। अब सावी समाज, इस प्रकार के समाज में सावी एकता पाई जाती है। सावी का मतलब जैसे शरीर होता है तो शरीर के प्रत्येक अंग होते हैं, अलग अलग उनका कार्य होता है, तो जब सारे अंग मिलकर अपना सही रूप से कार्य करते हैं तभी शरीर भी सही से कार्य कर सकता है, तो उसी को हम सावी एकता कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक अंग का अपना अलग अलग कार्य होता है और जब सारे कार्य सिस्टम से अपने अपने कार्य करते हैं तो उसी को हम सावी एकता कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत चेतना एवं क्षतिपूरक कानून पाया जाता है। इसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, एक व्यक्ति के विचार को महत्व दिया जाता है और क्षतिपूरक कानून भी इसमें पाया जाता है। श्रम विभाजन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट, श्रम विभाजन का सर्वप्रथम, केवल श्रम विभाजन जब रहेगा तो सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दिया था, पर सामाजिक श्रम विभाजन की बात जब आएगी तो ये दुर्खीम जी ने दिया है। सामाजिक श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट इमाइल दुर्खीम जी का है और श्रम विभाजन की बात सबसे पहले एडम स्मिथ जी ने की थी। और जो ये सामाजिक श्रम विभाजन है जो दुर्खीम जी ने दिया है, ये इन पर प्लेटो का, जो एक प्लेटो दार्शनिक थे उनका प्रभाव था। जो इमाइल दुर्खीम जी ने सामाजिक श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट दिया है तो उस पर इनका प्लेटो का प्रभाव था। एक क्वेश्चन आया था पीजीटी 2020-21 में, क्वेश्चन भी आया था
कि सिंपल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि सरल समाज और औद्योगिक समाज, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सिंपल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि औद्योगिक समाज की बात हर्बर्ट स्पेंसर जी भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। लेकिन इनका याद कर लीजिए कि सिंपल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी सरल समाज और औद्योगिक समाज, या जब पूछेगा तो इमाइल दुर्खीम जी का कॉन्सेप्ट होगा, या ये भी पूछ सकता है कि आंतरिक एकता और सावेवी एकता का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये भी इमाइल दुर्खीम जी का है। पूर्व औद्योगिक समाज, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये भी पूछ सकता है, तो ये भी इमाइल दुर्खीम जी का ही कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं एच सी हेडन जी कला के उद्विकास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कला के उद्विकास की बात करते हैं और उसके तीन स्तर बताते हैं। कितने स्तर? तीन स्तर। पहला प्राकृतिक, दूसरा प्रतीकात्मक, तीसरा ज्यामितीय, नेचुरल सिंबॉलिक, नेचुरल स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज और ज्योमेट्रिकल स्टेज। तो ये कला के उद्विकास की बात करते हैं एच सी हेडन महोदय जी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।